नमस्कार, स्वागत है आपका MSFN न्यूज में। शामली प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है, जहां तहसील में आए फरियादियों को SDM शामली ने मिट्टी के बने दिए गिफ्ट किए और साथ ही फरियादियों को मिट्टी के दिए देकर स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया है और साथ ही नगर वासियों को चाइनीज सामान का बहिष्कार करने की अपील की है। वहीं शामली SDM का कहना है कि दीपावली का त्योहार ही दीपों का है, लेकिन हम चाइनीज वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो भारतीय परंपरा है, हम उसी के अनुसार दीपावली के त्योहार को इस वर्ष दीपों से मनाएं और इससे दिए बनाने वाले लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पेश है शामली से गुलजार राणा की रिपोर्ट। दीपक दिए गए हैं जो फरियादी आए थे, क्या संदेश है? देखिए, दीपावली का त्यौहार ही दीपों का है। दीपावली का दीप धनावली यानी दीपकों की माला, लेकिन हम लोग चाइनीज की उसमें आकर के नए मॉडर्न में आकर के चाइनीज वस्तुओं को इस्तेमाल करते करने लगे थे, तो अब उस पर रोक लगी हुई है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम अपने हिंदू जो भारतीय परंपरा है जिसके तहत दीपावली का त्यौहार दीपों से मनाएं, तो आम आज चूँकि तहसील दिवस था, तो उसमें जो भी व्यक्ति फरियादी हमारे पास आ रहे, तो उनको मैं इस संबंध में कि आप दीपावली का त्यौहार अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार से दीपकों से जलाकर बनाएं, ताकि ये जो हमारी संस्कृति है उसका बिल्कुल अमूमन अमन बना रहे और हम लोग चीनी चीज़ों का जो बहिष्कार कर रहे हैं उसका उस उद्देश्य से ये दीपावली के लिए आज फरियादियों को जो है दीपक दिया गया है। साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी, सर, दीप अगर अपने स्वदेशी होंगे, हाँ, उनको रोजगार भी मिलेगा। जो हम लोग बना रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे कुम्हार लोग जो बहुत समय पहले से अपने मिट्टी से बनाते हैं, तो उनकी उनका एक तो दिनचर्या भी अच्छी हो जाएगा, उनका अपना रोजगार भी मिल जाएगा। और जो अभी तक किसान कुम्हार लोग प्रजात के लोग इस काम को धीरे धीरे बंद करने लगे थे, तो उस पर उनको भी अब कार्य करने में बढ़ोतरी मिलेगी कि हमारा अब ये कार्य अच्छा तरीके से चल रहा है, इसलिए इसको कार्य करना है।